बड़े लंबे टाइम के बाद आज मैं मोटो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, एकदम तामझाम के साथ हेलमेट पहन के, हेलमेट पे गोप्रो माउंट करके आपको कहीं घुमाने लेके जाने वाला हूँ, लेकिन इस पे नहीं, आज का मोटो व्लॉग इस पे बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू आर वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, वैसे तो अपने यहाँ पे घर पे ये एटीवी का डेडिकेटेड ट्रैक बना हुआ है, इसके बारे में आपको इसी ब्लॉग में आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं कि ये ट्रैक किस लिए बना है और सारे डिटेल्स की, यहाँ पे आप गाड़ी चलाने के लिए, इस एटीवी को चलाने के लिए कैसे आ सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ नहीं घूमने वाले, आज इसको एक्चुअल खेतों में लेके जाएंगे। मतलब इसको जो ऑल टेरेन व्हीकल बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आज दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे टेरेन्स पे चलाएंगे ना, मतलब चलाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे चलते हैं या गिर जाते हैं, सब आज पता चलने वाला है। लेट्स गो आउट इन ओपन फील्ड्स टुडे। एक्चुअली ये एटीवी 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से अपने पास है, लेकिन यहाँ से अपने फार्म से बाहर बहुत कम निकालता हूँ इसको। जितनी भी ये चलती है अंदर उस ट्रैक पे ही चलती है। कभी कभार ऐसा मूड होता है तो लेके निकल पड़ता हूँ बाहर, लेकिन ऐसे रास्ते पे इसको चलाने में मज़ा नहीं यार, खेतों में घुसेंगे तभी मज़ा आएगा। अब आएगा असली मज़ा। वैसे तो खेतों में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन पता है मुझे अभी मूड क्या हो रहा है, मुझे इसके ऊपर चढ़ना है। चढ़ पाएंगे क्या, देखते हैं। एक नंबर। अभी इधर से नीचे उतरने का क्या, और मजा आएगा ना यहां से ऐसे उतरते हैं नीचे। लेट्स गो। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि दिस इज क्वाइट स्टीप। ओ माय गॉड, क्या बोलते हो। एक नंबर। व्हाट नेक्स्ट, इसके ऊपर से चलने का क्या, अच्छा लग रहा है ना, इसके ऊपर चलते हैं। जहां मन किया वहां डाल देंगे। एक नंबर। अबे ये दूर से स्टीप नहीं लग रहा था, इधर से स्टीप लग रहा है। वो एक नंबर मैन, क्या आराम से चढ़ जाती है ये कहीं पर भी। व्हाट नेक्स्ट, इधर जाने का, पूरा खेत खाली है, जो सबसे स्टीप दिख रहा है उधर ही चलते हैं, इधर कहीं तो घुसेंगे अभी। अब मैं बताता हूँ आपको फैक्ट। एक्चुअली आज की तारीख है 18th of May 2021। एक्चुअली 2 दिन पहले जो तूफान आया था, क्या नाम था उसका, साइक्लोन पाउती, उसने यहाँ पे अपने एरिया में डैमेज तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब हवा बहुत चली, कुछ पेड़ वगैरह गिरे, लेकिन पिछले साल निसर्ग साइक्लोन ने जितना हैवॉक किया था उसके कंपैरिजन में इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। बट परसों से अभी तक लाइट नहीं है, अभी भी लाइट आई नहीं है, इन्वर्टर डाउन है, सब कुछ ख़त्म, करने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो सबने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, यहाँ पे बैठ के क्या करना है, तो थोड़ा खेतों में घूमेंगे इधर उधर। वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमें लॉकडाउन होते हुए भी घर में बैठना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो सोचा चलो घूम के आएंगे। और ये देखो वो लाइसेंस, देखो लाइसेंस, लाइसेंस आएगा ये बगा लगे तो लास्ट देता है। बाय द वे लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे छोटा सा कॉटेज बना रहे ये। एक्चुअली मैंने अभी ऑलरेडी इनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा एक मुझे अपने घर पे बना के चाहिए, एंड देव एग्रीड टू डू दैट। सो जल्द ही आपको अपने घर पे भी ऐसा ही कॉटेज देखने मिलेगा, ऐसा होप कर सकते हैं। भी यहाँ पे सब लोग आए ये तो मुझे पता था, लेकिन ईवा ने प्लानिंग करके आई है वो मुझे पता नहीं था। उसको जंगल में जाके पार्टी करनी थी, कहीं तो किसी बुक में पढ़ा है उसने। तो ये देखो सब लेके आए इधर, काय काय आणलं ईवा, काय काय घेऊन आलीस, मारी आणि पार्ले आणि पाणी पण आणलंय, आणि कसली पार्टी करायची, बिस्किटची पार्टी। आप भी आ जाओ जॉइन करो पार्टी के लिए, देखो मला पण मारी खाओगे या पार्ले खाओगे, मारी खाते हैं, मुझे एंजॉय करने दो। ईवा की प्लान की हुई पार्टी है पहली। बाद में निकलेंगे, वापस भी जाना है इसी रास्ते पर से, पूरे खेतों के मतलब कहाँ से आए हो मुझे भी पता नहीं है, वो खेतों के रास्ते से रास्ता तो था नहीं इधर, कहाँ से आए हो पता नहीं है। अभी जाते हो और कहीं और सेम रास्ता मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, जो रास्ता मिलेगा वो रास्ते से जाएंगे जाते वक्त, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा जाने के टाइम पे। पार्टी खत्म, टाइम टू रोल वंस अगेन ऑन द बाइक। चला काका येतो, काका येतो येतो परत पावसाळ्यात एकदा आराम करायला इथे। नक्की येणार। चलो मी दीवा ऐश्वर्या और मम्मी उधर से गए, हमें जाना पड़ेगा इस तरफ से, लेट्स गो। अलग ही मजा आता है इसको चलाने में। घर पहुंचने से पहले एक आखिरी परीक्षा, इसके ऊपर से लेके जाना है प्रियंका, टाइम पास में वहां पे वीडियो ले रही है। हेलो, चल ईवा आता तुला मी गाड़ी वरून नेतो, ये आता आपण ईवाला घेऊन जाऊया। अभी यहाँ से घर तक आपको ईवा की टोपी दिखने वाली है स्क्रीन में। आ गया अपना घर, चला उतरा, टाटा। सो बिफोर आई पार्क द बाइक, लेट मी टेल यू कि आपको अगर इस बाइक का राउंड लेना है ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी कैंप साइट पे। डे पिकनिक और ओवरनाइट के भी पैकेजेस है। अभी जो मैं चला रहा हूँ ना, ये ट्रैक है अपने राइड का, इस पे आपको ये बाइक चलाने मिलेगी। जहाँ पे मैं लेके गया था वहाँ पे तो नहीं ले जाने दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आप गाड़ी को एंजॉय कर ही सकते हो। इसके लिए आपको
डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करना है और अपने कैंपसाइट के इंस्टाग्राम हैंडल और वेबसाइट पे जाके सारे डिटेल्स चेक करने हैं। विद दैट सेड, लेट्स एंड द व्लॉग ओवर हियर। आई होप यू एंजॉयड दिस लिटिल राइड इन द मिडस्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट सबसे डेंजरस लगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स। दिस